एल्विश यादव की सिस्टर कोमल यादव भड़की बिग बॉस पर। जी हाँ दोस्तों, अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया टीआरपी के लिए क्या अब कुछ भी करा जाएगा, अरमान को क्यों नहीं निकाला जबकि उसने तो रूल तोड़ा, थप्पड़ मारा उसको कुछ क्यों नहीं किया गया, लव कटारिया भाई लव यू। जी हाँ, इस तरीके का लिखा है। उसके बाद भाई रियल हिट भी सपोर्ट में आए। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो एक थप्पड़ मार देता है उसको दोस्तों, बात करें तो अंदर ही रखा जाता है, लेकिन दोस्तों यदि कोई बात करे तो एक सिर्फ दोस्तों बात करते बाहर वाले का पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कोई पहले रूल भी नहीं बनाया गया था, लेकिन फिर भी दोस्तों उसको बाहर निकालने की कर रहे हैं कोशिश। जी हाँ, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। उसके बाद रियल हिट भी सपोर्ट में आए। उसके बाद दोस्तों अनुराग दोबाल भी सपोर्ट में आए। की बात करें तो मैक्सटन, जी हाँ दोस्तों वो भी सपोर्ट में आए। अंकित यादव भी दोस्तों लोकेश कटारिया के सपोर्ट में आए। साथ ही खुशी बलियानी दोस्तों इनके साथ थार सॉन्ग, जो सबसे ज्यादा व्यू पाने वाला लगभग 7 करोड़ के आसपास व्यू है उस गाने पर थार, वो भी दोस्तों आई है सपोर्ट में। अंजलि, जी हाँ दोस्तों अंजलि को आप तो जानते ही हो काचा बादाम के नाम से। जहाँ पर दोस्तों बात करें तो मोना और फरूकी वगैरह से कई लोगों से इनकी कॉन्ट्रोवर्सी भी हो चुकी। उसके बाद रवि ब्रोकन, उसके बाद भाई शेरपाल बैरंग, जी हाँ दोस्तों शेर आ गया भाई, शेर भी दोस्तों सपोर्ट में। उसके बाद भाई बात करें तो बीटीवेस्ट लकी भी दोस्तों सपोर्ट में आए हैं, और दिव्या ऑफिशियल, जी हाँ दोस्तों बात करें तो 55 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर वाले दिव्या भी दोस्तों आई हैं लोकेश कटारिया के लिए सपोर्ट में। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, क्या लोकेश कटारिया को जो बिग बॉस बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल भी गलत है, और इस बार बिग बॉस लगता है कि अपने आदमी को ही विनर बनाना चाहता है और लोकेश कटारिया को किसी भी हालत में बाहर निकालना चाहता है, जो कि दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, इसलिए तो दोस्तों लोकेश कटारिया को बाहर बनाया गया था। बाकी इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं।